आदि पुरुष को लेकर जो विवाद चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही ट्रेलर आने पर भी चर्चा शुरू हो गई थी और रिलीज होने के साथ ही ये चर्चा अब विवाद बन गई है। डायरेक्टर ओम राउत की 600 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म को कवि लेखक मनोज मुंतशिर ने डायलॉग दिए हैं। दक्षिण भारतीय अभिनेता प्रभास ने इस फिल्म में राघव का किरदार निभाया है जो रामायण के राम पर आधारित है, तो वहीं सीता के किरदार में जानकी नाम के साथ कृति सेनन को दिखाया गया है। फिल्म के डायलॉग को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है, हर तरफ आलोचना हो रही है, लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर पड़ा है, देश भर में इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है, सियासी बयानबाजी भी तेज हो रही है, संवाद से लेकर किरदार तक सब पर विवाद खड़ा हो रहा है। मनोज मुंतशिर ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा भी मांगी। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि इस फिल्म के कुछ डायलॉग को बदला भी जाएगा, लेकिन क्या फटे हुए कपड़े पर पैबंद लगाने से वो कपड़ा सही हो जाता है? ये सवाल उठना लाजमी है। सवाल हम या सिर्फ लोग ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो लोग भी इस फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हैं। इस पूरे विवाद पर सवाल उन लोगों ने भी उठाया है जिन्हें देश की जनता ने रामायण का असली कलाकार माना। सालों पहले दूरदर्शन पर रामानंद सागर जी द्वारा बनाया गया सीरियल रामायण दिखाया जाता था। उसमें काम करने वाले कलाकार जब अपने घर से बाहर निकलते थे तब लोग उन्हें उसी नजर से देखते थे, वैसा ही मानते थे जैसे कि वे सभी असलियत के राम, सीता, लक्ष्मण या हनुमान हो। और आज भी देश की जनता उन्हें वही प्यार और सम्मान देती है। लोग उस रामायण को जूते चप्पल उतार कर देखते थे। ये कलाकार जहाँ जाते थे इनके पैरों में लोग झुक कर प्रणाम करते थे। लेकिन रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ पर बनी आदि पुरुष फिल्म ने तो लोगों को आक्रोशित कर दिया, सिर्फ जनता को ही नहीं बल्कि इन कलाकारों को भी। इस विवादित फिल्म पर रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने कहा है कि भगवान के चरित्र को इस तरह से दिखाना जो हमारी आस्था है उसे इस तरह से प्रदर्शित करना मजाक है। आधुनिकता के नाम पर भगवान को इस तरह से दिखाना बहुत गलत है। फिल्म के संवाद को लेकर कहा कि मैं तो इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ। तो वहीं रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने कहा है कि इस फिल्म ने लोगों की भावनाओं को चोट पहुँचाई है। उन्होंने कहा कि क्या सोच कर ये फिल्म बनाई है, किस ऑडियंस को ये फिल्म कैप्चर करना चाहती थी ये समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे तो फिल्म के लास्ट सीन में थिएटर से उठकर आ गए थे। तो वहीं उस सीरियल में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका जी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे सीता का गेटअप लिए हुए दिखाई दे रही हैं। शायद वो इसी वीडियो से सब कुछ समझा गई हैं। अब समझ में आना बाकी है तो इस फिल्म के डायरेक्टर को, इस फिल्म के डायलॉग्स लिखने वालों को, शायद अब वो लोगों की भावनाओं को समझे। हालांकि जो गलती उन्होंने की है उसके ऊपर अब पर्दा नहीं डाला जा सकता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।